भी एक बात कहना चाहते हैं, हमारे जो भाई लोग आए हुए हैं अधिकांश शिक्षक लोग हैं, शिक्षक समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भूमिका निभाते हैं। किसी भी समाज को बनाने में चलाने में शिक्षक का महत्वपूर्ण है। रही बात हमारी, तो हम चंद शब्दों में बात कहना चाहेंगे अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से, अपनी कौम के बारे में, जो हमने टैलेंट देखा कि साहब हमारे बच्चे उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो कंट्रोल के दाल चावल खा के 3 से 4 साल में इतनी मोटी कुरान याद कर लेते हैं और 14-15 घंटे 16 घंटे का रोजा रख के बिना रुके बिना अटके लगातार 3 घंटे पढ़ते हैं। ये हमारे बच्चों का टैलेंट है। अगर हम इस टैलेंट को सही रूप से निखारना संवारना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमारे कौम में IAS PCS डॉक्टर्स इंजीनियर की लाइन लगेगी। ये हमारा टैलेंट है, हमारे बच्चों का टैलेंट है। हमें इन टैलेंट को ढूंढना है, उसको निखारना है, और ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो शिक्षा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें कम से कम इस पदवी पे इस रुतबे के साथ भेजा है कि हम अपने देश के लिए समाज के लिए कौम के लिए वो काम कर सकते हैं। सबके अपने अपने स्टेप होते हैं भाई, कोई 1 से 5 तक, कोई 5 से 10 तक, कोई 10 से 12, कोई 12 से 15, कोई 16-18। शुरुआती स्टेज हमको मिली है, हम अपने बच्चों को 1 से 5 तक 1 से 8 तक पढ़ा जहां जैसा भेजेंगे वो वैसे ही चलते चले जाएंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इस दिवस के मौके पर कि हम पढ़ें, और किसी भी अधिकार को जानने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, आप सरकार चाहे जितने भी आपके लिए कानून बना दे, अधिकार बना दे, योजना बना दे, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेने के लिए शिक्षा से जुड़े होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ हैं, हम भी हैं, हम आप सब लोग हैं, इस क्षेत्र में भी काम करें, जो कर सकते हैं करें अपने अपने लेवल पे। और समय काम में मैं अपनी बात निवेदन करना चाहूँगा। बहुत अच्छा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर रमजान साहब ने की।